हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सूर्य एजुकेशन हेल्थ में। तो आज की इस वीडियो में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आप लोगों के एमएड के एग्ज़ाम से रिलेटेड आज बात करने वाले हैं कि आप लोगों का एमएड का एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमएड का एग्ज़ाम का 3 वर्ष में कम्प्लीट करने का पूरा प्रोसेस रहता है। अगर 3 वर्ष से ज़्यादा हो जाता है तो उसका उसके बाद फिर आप एमएड का वैल्यू नहीं रहता है। तो इसलिए इसी के बारे में एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोग बता दें कि इसका जो डेट है वो कुछ दिनों के बाद 3 साल हो जाएगा, उसके बाद इसका वैल्यू नहीं रहेगा। इसीलिए आप लोगों को इस एमएड के एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं कि एमएड के एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा इस वर्ष, जिससे कि स्टूडेंट बहुत परेशान है कि एमएड के एग्ज़ाम नहीं हुआ तो उसका जो वैल्यू है एमएड का वो ख़त्म कर दी जाएगी। यूजीसी के अनुसार अगर एमएड 2 वर्ष का रहता है, 3 वर्ष में अगर कम्प्लीट नहीं किया गया तो आप लोगों का वैल्यू ख़त्म हो जाएगा अगर 4th साल घुस गया तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप लोग का एग्जाम होगा कि नहीं। तो उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम आगे बताते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि सरकार की अनुमति का इंतजार पहले होगी एमएड की परीक्षा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा अभी तक अनुमति नहीं मिल रही है किसी भी परीक्षाएँ के लिए, चाहे कोई भी परीक्षाएँ हो, यूजी का हो, पीजी का हो, एमएड का हो या फिर पीएचडी का हो, किसी भी परीक्षाएं के लिए अभी तक सरकार द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन एमएड वाले को प्रॉब्लम ये है, अगर हम दूसरे जैसे पीजी यूजी या फिर पीएचडी वाले की बात करें तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, अगर लेट भी हो जाती तो कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एमएड वाले की एक प्रॉब्लम ये है कि यूजीसी के अनुसार इसमें कहा जाता है कि आप लोग अगर 3 साल के अंदर कोर्स पूरा नहीं करते, अपना समय पूरा नहीं कर लेते हैं, एग्ज़ाम नहीं दे देते हैं सभी एग्ज़ाम, तो आप लोगों का मान्यता अगर नहीं दे पाते हैं तो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया कि बिहार विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिए सरकार की अनुमति का इंतजार है। राज्य के कई विश्वविद्यालयों में परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद जल्द परीक्षा शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि अभी तक परीक्षा के लिए सरकार की ओर से कोई निर्देश मिला है। आप लोगों को सबसे पहले ये बता दें कि आप लोग जो भी चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो या चाहे बिहार यूनिवर्सिटी का जो भी अभी तक परीक्षाएं की तिथि घोषित हुई है, आप लोग को एक बार क्लियर कर दें कि जब तक सरकार के द्वारा अनुमति नहीं मिल जाती है एग्जामिनेशन लेने के लिए बिहार सरकार द्वारा, तब तक एग्जामिनेशन नहीं ले सकती कोई भी यूनिवर्सिटी, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन क्यों ना हो। आप लोग बता दें कि कोई भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ये सब ले सकती है, लेकिन आप लोग बता दें जो एग्ज़ाम होती है वो सब एग्ज़ाम नहीं ले पाएंगे जब तक कि सरकार के द्वारा अनुमति नहीं मिल जाती। हाँ, वही बात करें चुपके से ले लेती है तो उसका वो बात ही अलग है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ कहा जा रहा है कि हालांकि आप लोग यहाँ जैसा दिया गया है कि कुलपति कहना कि परीक्षा शेड्यूल तैयार कर लिया गया। आप लोग बता दें परीक्षा शेड्यूल भी तैयार कर लिए, सब कुछ तैयारी हो चुकी है, सिर्फ सरकार द्वारा अनुमति मिल जाती है तो एमएड की एग्जाम करा दी जाएगी। वहीं पर यहाँ पर कहा जा करीब हफ्ते भर से परीक्षा को लेकर चल रही चर्चा पर विश्वविद्यालय अधिकारियों की ओर से कहा जा रहा था कि कुलपति के मुख्यालय आते ही परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। दरअसल पेंडिंग परीक्षाओं को लेकर छात्र परेशान है, सबसे ज़्यादा संकट एमएड के छात्रों का है। जैसा कि हमने बताया कि सबसे ज़्यादा जो संकट है एमएड के छात्रों का, परीक्षा जल्द नहीं हुई तो कोर्स की मान्यता खत्म हो जाएगी। जैसा कि हमने पहले वीडियो के शुरू में ही बता दिया कि आप लोगों का कोर्स की मान्यता खत्म हो जाएगी अगर इसकी परीक्षाएं नहीं हुई तो। इसमें एक रूल है, एक नियम है यूजीसी द्वारा कि अगर एमएड में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों का जो परीक्षाएं हैं वो लिमिट समय में आप लोगों का ख़त्म हो जानी चाहिए। जितनी भी परीक्षाएँ एमएड में होगी वैसे ही परीक्षाएँ अगर नहीं होती है तो इसकी जो मान्यता है उसे रद्द कर दी जाती है। जैसा कि यहाँ दिया है कि यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार एमएड के 2 साल का कोर्स पूरा करने के लिए 3 साल का समय मिलता है। यूजीसी कोई भी यूनिवर्सिटी अगर एमएड करा रही है तो एमएड में एमएड करने के लिए 2 साल का कोर्स रहता है, जिसमें आप लोगों को 3 साल का समय दिया जाता है उसको उस कोर्स को करने के लिए। यानी कि आप लोगों को 2 साल का कोर्स रहता है, 3 साल आप लोगों का समय दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगले महीनों में 3 साल पूरा हो रहा है, यानी कि अगले महीने में आप लोगों का जब 3 साल पूरा हो रहा है जिसकी वजह से इनका जो कोर्स का मान्यता है उसे रद्द कर दिया जाएगा अगर परीक्षाएँ नहीं हुई तो। इसी को लेकर एमएड की जो कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा संकट में है, अगर नहीं हुई परीक्षाएं तो सही में रद्द कर दी जाएंगे, इसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी उनको। फिर से जितना आप लोगों को फिर से नामांकन लेना होगा, फिर से पढ़ाई करना होगा, फिर आप लोगों को एग्ज़ाम देना होगा इस तरह से मान्यता रद्द होने के बाद। वही बात करें इसके स्नातक की बात करें तो धुनेश में जो भी कैंडिडेट स्नातक में एडमिशन लिए हैं उन सभी का भी अभी तक पार्ट 1 का एग्ज़ाम नहीं हुआ है बिहार यूनिवर्सिटी की बात करें तो आप लोगों ने देखा कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है आप लोगों के एमएड के एग्ज़ाम वो लेना जरूरी है, होना जरूरी है। और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी कॉलेज का साथ दीजिए जिससे कि सरकार के द्वारा अनुमति मिल सके परीक्षाएं लेने की, नहीं तो आप लोगों के ही घाटा होगा जो भी एमएड के कैंडिडेट हैं। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। आप हमारे चैनल पर बने रहे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।